हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। हम सभी एचटेट की साइंस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने ये कुछ टॉपिक्स यहाँ पर ले रखे हैं जो हम कर रहे हैं, जिसमें से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम अपना कर लिया है, इकोलॉजी हमने कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि न्यूट्रिशन का ही पार्ट है। न्यूट्रिशन भी करेंगे, बट अभी फिलहाल हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जो भी टीजीटी साइंस के साथ एचटेट देने वाले। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि होता क्या है, कैसे स्टार्ट होता है और कहां जाकर ये खत्म होता है। इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ से स्टार्ट होता है, जहां पर क्या करते हैं, इनटेक करते हैं फूड को आप लोग। फिर आपके जो दांत हैं यानी टीथ हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक द फूड, आपके खाने को तोड़ते हैं। फिर आपका टंग, जीभ क्या करती है, टेस्ट करती है आपके खाने को और रोल करती है आपके खाने को। उसके बाद आप बोलेंगे कि क्या खाना हमारा जीभ से संभलता है, नहीं, दांत और जीभ दोनों के साथ रहता है वो, तभी वो खाना मुंह से बाहर नहीं आता। दांत का काम है तोड़ना और जीभ का काम है उसको रोल करना, घुमाना उस खाने को और उसको टेस्ट करना। अगर हमारी जीभ नहीं होगी तो रोल नहीं होगा, तो हमें एक ही मतलब खाना जब चबाएंगे तो वो थोड़ा ही चबेगा, पूरा नहीं चबेगा, रोल करता है, जैसे मिक्सी रोल करती है इसी तरीके से। फिर आता है आपका स्लाइवा। स्लाइवा क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, स्लाइवा को। अब ये स्लाइवा ग्लैंड है आपका, जो आपके गले में होता है, दांत और जीभ के यहाँ जो पीछे वाला हिस्सा, वहां पर आपका क्या होता है, स्लाइवा ग्लैंड होता है, जो क्या करता है, स्लाइवा को प्रोड्यूस करता है। जो स्लाइवा होता है वो कंटेन करता है आपका एक एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है आपका स्लाइवेज एमाइलेज एंजाइम, जो एंजाइम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है आपके खाने को। ठीक है, आपने खाना खाया, खाने को हम बोलते हैं स्टार्च, साइंस की लैंग्वेज में, बायो में साइंस की लैंग्वेज में स्टार्च कहा जाएगा आपके फूड को, और उसको क्या करता है, सिंपल शुगर के अंदर तोड़ देता है। जिस तरीके से यहाँ देख पा रहे हो आप, स्टार्च यानी खाना, खाने को स्लाइव वे सेलिवरी माइलेज जो एंजाइम है वो ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें, सुगर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ओसोफेगस, जो आपकी पाइप है फूड पाइप, उसको ओसोफेगस कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में। वो क्या करती है, टेक फूड फ्रॉम माउथ, आपके मुंह से खाने को कहाँ लेके जाती है, स्टमक तक लेके जाती है। और ये एक प्रोसेस के जरिए होता है कि आपने खाना खाया तो उस पाइप में आया, वो पाइप बहुत भीड़ी होती है, जैसे जैसे उसमें से खाना निकलता रहता है, जहां जहां वो खाना पहुंचता है वहां से वो पाइप जैसे इतनी है, तो वो पाइप वहां से फैल जाती है और नीचे से वो सिकुड़ी होती है, ऊपर से भी सिकुड़ी होती है, जहां जहां खाना जाता है वहां वहां से वो पाइप खुलती जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं आपका पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका खाना कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया, आपके पेट में पहुंच गया। ये एक बड़ा ऑर्गन भी होता है आपका स्टमक। ठीक है, स्टमक क्या है, स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन इन एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब आपका खाना इसके अंदर एंटर करता है तो ये लार्ज ऑर्गन होता है आपके बॉडी का, जिसमें खाना पहुंचता है, और वो सबसे बड़ा ऑर्गन है आपका। इसके अंदर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके स्टमक के ऊपर ही होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। दो तरह के जूस होते हैं आपके यहाँ पर, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो दो तरह का चीजें आपके पेट के अंदर सिक्रेट करती हैं, पहला है HCl, दूसरा है पेप्सिन। ठीक है, और यहाँ पर एक म्यूकस एक लेयर है। ठीक है, म्यूकस एक दीवार है आपके स्टमक के चारों तरफ। अब आपको पता है कि HCl क्या होता है, एसिड होता है, एसिड किसी भी चीज को जलाने में बहुत ही आराम से जला देता है उसको। तो अब आप सोच के देखो, आपके पेट के अंदर बहुत सारा HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या आपका पेट जल गया, नहीं। आप बचपन से लेकर अभी तक जितने भी एज के आप हैं और आगे जितने भी एज आप रहेंगे, तब तक आपके पेट में HCl यानी
एसिड बनेगा, और वो एसिड आपके पेट को जलाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, आपके पेट में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं फूड के अंदर जो गए हैं उनको मार देता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या कुछ आपने गलती से खा लिया उस सभी को ये गलाने और मारने का काम करता है, कौन, HCL। ठीक है, HCL से हमारे स्टमक को कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव इनर लेयर होती है आपके स्टमक की। ठीक है, पेप्सिन का काम क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक डाउन करती है, कौन, आपका पेप्सिन, और वो भी किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ये मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है लास्ट के लिए, जहां पर आपको पूरा आराम से एक्सप्लेनेशन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का मिल जाएगा। यहां तक समझ में आया, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये क्या है, इसके अंदर पूरा का पूरा डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन अगर बोले हम कि खाने का कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के वहां पर आपको लीवर मिलेगा। लीवर क्या करता है, इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, जो कि आपका कौन प्रोड्यूस करता है यहाँ पर, बाइल जूस, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो तो HCL, पेप्सिन और म्यूकस उसके पास होते हैं, और उसके बाद आपका जो लीवर है, लीवर के पास दो तरह के जूस होते हैं, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ठीक है, दोनों के ही काम पढ़ेंगे हम। बाइल जूस क्या करता है, इट मेक द फूड अल्कलाइन। बाइल जूस क्या करता है, जो आपका पेट से खाना आया, पेट में खाना था एसिड, पेट यानी स्टमक के जस्ट यहां पर आपका ये क्या होता है, लीवर होता है, यहां पर ये आपका इस तरीके से पेट होता है, यहां पर आपका लीवर होता है, स्ट्रक्चर में आपको यहां पर दिख जाएगा। तो वो क्या करता है, आपका जो लीवर है वो जैसे ही खाना बाहर निकलता है आपका स्टमक से, वैसे ही उसने ये जो अल्कलाइन मीडियम में बदलने के लिए बाइल जूस को सिक्रेट कर देता है। जैसे ही बाइल जूस खाने में मिलता है, वैसे ही खाना आपका बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब आपका खाना तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया, बट बाइल साल्ट का क्या काम है, बाइल साल्ट क्या करता है, जितने भी आपके लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं आपके खाने के अंदर, उनको ये क्या करता है, ब्रेक डाउन, तोड़ देता है, मतलब छोटे छोटे मतलब कणों में तोड़ देता है, कुछ इस तरीके से। ये आपके लार्ज फैट के ग्लोब्यूल्स हैं, इनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन टर्म आ सकती है आपकी, कि इमल्सिफिकेशन टर्म क्या होती है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स। अब यहाँ पर आपका है गया गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है स्टोर बाइल जूस। ठीक है, गाल ब्लैडर आपका क्या करता है, स्टोर करता है इन दोनों को, बाइल जूस बाइल साल्ट। ठीक है, इन दोनों को ये क्या करता है, स्टोर करता है। फिर आपका आ गया पैनक्रिया। अब पैनक्रिया के अंदर दो तरह के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। दो तरह के एंजाइम हैं, दोनों के काम पढ़ेंगे। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड में। आपके खाने में जितना भी प्रोटीन होता है उसको तोड़ता है कौन, ट्रिप्सिन इनटू अमीनो एसिड। क्योंकि हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हमारी बॉडी प्रोटीन के रूप में नहीं लेती है, अमीनो एसिड के रूप में लेती है। लाइपेज क्या करती है, लाइपेज ब्रेक डाउन करती है जितने भी वो फैट ग्लोब्यूल्स आपने बनाए हैं इमल्सिफिकेशन के जरिए, उसको वो तोड़कर क्या करता है, फैटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। आपका शरीर फैट को फैट के रूप में नहीं लेता है, फैटिक एसिड के रूप में या फिर ग्लिसरॉल के रूप में लेता है। अब एक और चीज है, मेन ये लाइन है, ये याद रखनी है, जो ट्रिप्सिन है जो आपका पेनक्रिया से रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन हमेशा काम करेगा बेसिक मीडियम में, ये कभी भी एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा। हमारा जो खाना है वो एसिडिक मीडियम में कब होता है, जब वो स्टमक में होता है। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वो जो खाना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक मीडियम में। तो ट्रिप्सिन हमारा ऑलवेज मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइपेज हमारा मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और हमारा जो पीछे क्या था आपका, पेप्सिन था, पेप्सिन हमारा मिलता है स्टमक के अंदर। याद रखिए ये चीज, ठीक, एक बार इन पे नजर लगा लीजिए। यहाँ पर स्टमक, सॉरी माउथ के अंदर जो आपका स्टार्च है, जो खाना है उसको तोड़ता है कौन,
सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम सुगर के अंदर या ग्लूकोज बोलते हैं उसे, फैट को लाइपेज तोड़ता है फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, प्रोटीन को पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ही तोड़ते हैं एमिनो एसिड के अंदर। तो ये तो था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जहां पर हमारा बोला जाता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। चलिए बात करते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कुछ होता है, बट एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, हमारा जो खाना है वो किस तरीके से एब्जॉर्व किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, मतलब जो डाइजेशन हो गया उसको भाई यूटिलाइज तो करेंगे ना, तो वही तो विली आपका स्ट्रक्चर होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस तरीके की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, और यहां पर कुछ इस तरीके की संरचना यानी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके की आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है विली। क्या है ये विली? विली क्या होते हैं? आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर यहाँ पर पोर्स होते हैं जो आपके खाने में से जितने भी पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्व करने का काम करता है। पूरी ही विली पर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर की साइड ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, विली आर सप्लाई द फूड टू ब्लड वेसल। अब ये जो ये पोर्स दिख रहे हैं ना, ये क्या कर रहा है, खाने को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। खाने को किस रूप में? फैटिक एसिड, सुगर, अमीनो एसिड, इनके रूप में एब्जॉर्ब कर रहे हैं और हमारी ब्लड वेसल तक पहुंचा रहे हैं। और ब्लड वेसल क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी में। देन ब्लड वेसल टेक द फूड टू ईच एंड एनर्जी एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। पूरे के पूरे शरीर में हर एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? खाने को विली करता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि खाना कौन पहुंचाता है हमारे बॉडी में, पूरे सेल्स के पास और पूरे बॉडी में, तो वो है आपका विली। अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा यहाँ तक डाइजेशन पूरा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन तक, लेकिन कम्प्लीटली खाना नहीं होता है, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट हो गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? जो भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड है, जितना भी अनअब्जॉर्ब्ड फूड है हमारा बच गया है, उसको सेंड किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर, विच वेयर इट वॉल्स अब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब क्या है, खाना जो आ गया इसमें से पास होके, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, तो उसमें जितना भी एक्सेस वाटर वगैरह जितना भी बचा है उस सभी को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है। एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। उसके बाद जितना भी मटेरियल बचा उसको एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, एक तरीके से जूस की मशीन बोल सकते हैं। खाना डाला उसके बाद जूस की मशीन को चलाया और फिर उसमें से क्या हो रहा है, जितना भी जूस था आखिरी पल तक वो निचोड़ा गया और उसके बाद जो मटेरियल बचा उसे एनस के जरिए बाहर निकाल दिया गया। तो ये पूरा था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने पढ़ लिया है। अब एक बार मोटी मोटी चीज़ें मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पुट आउट कर रही हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका जो सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, कहाँ से सिक्रेट होता है और वो किसको ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है पेरिस्टेटिक मूवमेंट क्या होती है और कहाँ पर होती है। तो आपको सिर्फ मूवमेंट कहाँ होती है ये आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन से आपके जो एंजाइम है या एसिड है उनको सिक्रेट करता है और कहाँ पर करता है, मैं ये सब आंसर लास्ट में बताने वाली हूँ, बट आपको कमेंट में भी लिखने हैं। फिर उसके बाद आपका जो लीवर है, लीवर कौन, उसके बाद आपको ये बताना है कि जो बाइल जूस है, ठीक है, वो खाने को किस मीडियम में चेंज करता है। उसके बाद बताना है आपको जो इमल्सिफिकेशन है उसके अंदर क्या होता है। नेक्स्ट आपको बताना है गॉल ब्लैडर क्या करता है, किसको वो क्या काम है उसका, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पर ट्रिप्सिन किस मीडियम में काम करता है और किसको ब्रेक डाउन करता है। इसी तरीके से लाइपेज का बताना है आपको, वो किसको ब्रेक डाउन करता है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि प्रोटीन को कौन तोड़ता है।
चलिए मैं आपको इनके आंसर बता देती हूँ। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, द सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम होता है वो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को इनटू शुगर, ठीक है। फिर आपका जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये ओसोफेगस में होता है, खाना का ये जो खाने का पाइप है ओसोफेगस, आपका फूड पाइप हम बोलते हैं जिसको, जब यहाँ से खाना एंट्री होगा तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे यूं ये मूवमेंट यूं चलता रहेगा, यहां से ये फिर सिकुड़ गई, यहां से खुल गई, नीचे से सिकुड़ हुई है, फिर खाना जैसे ही नीचे गया तो नीचे से खुल गई, बीच में से सिकुड़ गई, ऐसे जो ये मूवमेंट होता है मीन्स ये वाला जो मूवमेंट होता है, ये ऐसे जो मूवमेंट होता है ये, इसको बोलते हैं आपका, इस मूवमेंट को बोलते हैं आपका ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है जो स्टमक के वहां होता है वो आपका HCl पेप्सिन और आपके स्टमक में म्यूकस की एक लेयर होती है जो HCl से आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड, ठीक है, ये आपका प्रोसेस है। उसके बाद है लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। बाइल जूस क्या करता है, आपके खाने को बेसिक मीडियम यानी एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। फैट जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़ता है आपका स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन और ये बाइल साल्ट के जरिए होता है। उसके बाद गाल ब्लैडर आपका क्या करता है, स्टोर करता है बाइल जूस को और बाइल साल्ट को। आपके पैनक्रिया के अंदर दो एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना इनटू अमीनो एसिड, और ये हमेशा काम करेगा आपका बेसिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में इसको कौन बदल रहा है, बाइल जूस बदल रहा है, ठीक है, कौन बदल रहा है इसको बेसिक मीडियम में, बाइल जूस, ठीक है। और लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफिकेशन फैट होता है उसको तोड़ना फैटिक एसिड में, ये काम होता है आपका लाइपेज में, लाइपेज का, ठीक है। और ये काम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाला पूरा काम स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये वाला काम हो रहा है आपका स्टमक के अंदर, यहाँ पेप्सिन ब्रेक डाउन कर रही है स्टमक के अंदर, और यहाँ पर आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज काम कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ के अंदर क्या होता है, स्टार्च यानी आपका खाना, उसको सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है शुगर यानी ग्लूकोज के अंदर। फिर आपका फैट जो है, फैट को लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियास से जो सिक्रेट होता है लाइपेज उसके द्वारा तोड़ता है फैटिक एसिड यानी ग्लिसरॉल के अंदर। फिर आपका प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम स्टमक के अंदर ब्रेक डाउन करती है पहले तो अमीनो एसिड में, उसके बाद और वो भी एसिडिक मीडियम, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। उसके बाद जो आपका प्रोटीन बच गया आपके बाकी खाने के अंदर, उस प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेसिक मीडियम में तोड़ता है अमीनो एसिड के द्वारा, और ये सिक्रेट किया जाता है आपका पैनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोटी मोटी बातें मैंने बता दी हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और प्लीज सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट आप करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए आएंगी, और हर एक पे कोशिश करेंगे फिर कि बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ साथ जैसे जीके चल रही है, जीके के साथ साथ और भी सब्जेक्ट हम उठाएं और उनकी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आए। जैसा आप बायो को प्यार दे रहे हैं वैसा ही जीके को दीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूर एसटेट एग्जाम, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।